अभिनेता सुशांत सिंह मामले में चल रही जांच में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस दिया। रिया और अन्य के खिलाफ ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है। यह मामला रिया और अन्य के खिलाफ प्रतिबंधित ड्रग्स की कथित लेनदेन की जांच के सिलसिले में दर्ज किया गया है। If this drug issue is true, as shown by some channel yesterday, then definitely it's a very serious matter. Because the family, when it got the FIR registered, there was an impression that Sushant was being over-drugged. But when we said over-drugged, we meant prescription drug, you know, which is being administered on the instruction of some psychiatrist. And if you give an overdose, then it can, you know, disturb the mental balance of somebody. But now if what has been disclosed is correct, then this is actually banned drug. Now if it is banned drug, then firstly this will lead to definitely abetment to suicide as well as murder, either of the two. And lastly, there'll be a Narcotics Control Bureau issue also, because then who are the suppliers? They will also have to be arrested. So definitely the scope of these proceedings will widen quite substantially. And I feel that now the matter is getting very, very serious, and hopefully some very major breakthrough should come from the CBI. CBI जांच हम समझते हैं कि सही दिशा में जा रही है और CBI जिस तरह से जिस स्पीड से जांच शुरू किया है हम लोगों को काफ़ी आशा उम्मीद और बढ़ गया है कि निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो एकदम गिरफ्तार होगा। और हम समझते हैं कि वहाँ जिस तरह से कुछ कुछ बातें मीडिया के माध्यम से आ रही है, चाबी वाले की बात जो आई है, तो जो सिद्धार्थ पिठानी है हम समझते हैं कि उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। कहे कि हम लोग भी महसूस किए जब हम गए थे, घटना घटी और हम वहाँ दाह संस्कार वाले जगह पर गए थे, तो उस समय भी एक जो उसके साथी का साथ में काम करने वाले के निधन से जो एक गम होता है वो उसके चेहरे पे कहीं नहीं दिखा। वो नॉर्मल और मोबाइल से चैटिंग में लगा हुआ था, तो हम लोगों को थोड़ा सा मेरे दिल में जरूर शक पैदा हुआ कि ये आदमी इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है। साथ में रहने वाला, वो सहरसा भी आया था यहाँ घर पे, हम लोग उसको बुद्धा बुद्धा बोलते थे, उसका नाम बुद्धा था यहाँ पे। तो हमको लगा कि ये साथ में रहने वाला उसका दोस्त है या साथी है या कर्मचारी है, जो भी है, तो इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, ये सस्पिशियस था। और दूसरा एक जो ये संदीप जो वहाँ उसका एक्टिविटीज देखे, वो भी हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक शक पैदा करने वाला उसका एक्टिविटीज नज़र आ रहा था। और दूसरा ये था कि हमको लगता है घटना का 10 दिन भी नहीं बीता, उसके बाद तुरंत उसने एक मीडिया में आकर के मीडिया बाइट देना शुरू किया और जो भी लोगों से पूछताछ चल रही थी मुंबई पुलिस के द्वारा, उन तमाम लोगों को क्लीन चिट देने का शुरू कर दिया था। तो एक मेन गैंगस्टर की तरह वो काम कर रहा था, और जैसे कि बहुत सारा ग्रुप होता है तो सबसे कनेक्शन होता है, उस तरह का वो व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि CBI इन लोगों को पूछेगी ही पूछेगी, और मुझे लगता है कि बिना थर्ड डिग्री की लोग मानने वाला नहीं है, जो मुझे महसूस हो रहा है। तो इन लोगों को थर्ड डिग्री की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि CBI इन चीज़ों पर काम कर ही रही है और आगे भी करेगी, ये हम लोगों को आशा उम्मीद है। और काफ़ी उम्मीद बढ़ा हुआ है कि दोषी नहीं कोई बचेगा, ये आशा उम्मीद है हम लोग।